आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ थामा दामन। हिमाचल प्रदेश प्रकाश चंद शर्मा। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के द्वारा जिला मंडी में एक रैली आयोजन का हुआ, जिसमें बलव विधानसभा क्षेत्र के पूर्व में कई बार रिवालसर पंचायत के प्रधान रह चुके और वर्तमान उप प्रधान पदम सिंह भाटिया ने आज आम आदमी पार्टी का थामा दामन लिया, जिसमें उनके साथ आए हुए हजारों कार्यकर्ताओं ने भी आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। क्या कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की नीति को लेकर उप प्रधान पदम सिंह भाटिया, इन वीडियो को अंत तक देखें। धन्यवाद। पठिया जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आज आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, इसके ऊपर क्या कहना है सर? प्रथम तो मैं आप सभी को यहाँ नमस्कार करता हूँ और आज आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जन सैलाब इस बार हिमाचल प्रदेश में माननीय केजरीवाल के संघर्षों से और उनकी जो सरकार दिल्ली मॉडल है उसको सभी लोग पसंद कर रहे हैं और भारी मात्रा में जो है लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार हिमाचल प्रदेश में जो है केजरीवाल जी की सरकार बनेगी। इनकी जैसे स्वास्थ्य से संबंधित नीतियां हैं, शिक्षा संबंधी नीतियां हैं, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता है, जैसे कि हमारे सैनिक है उनको 1 करोड़ रुपये की राशि का है, स्वास्थ्य संबंधी है और अन्य सभी प्रकार के जो है जैसे टैक्स के बारे में माननीय सिसोदिया जी ने बताया कि टैक्स इन्होंने कम किया कुछ एक चीज़ों पे ट्राई करके, उससे भी आमदनी हुई है और उसी पैसे से जो है सभी प्रकार के निर्माण किए जाते हैं, तो हमें इस बात की बहुत खुशी है। और यहाँ जिला मंडी में पधारने पर मैं माननीय सिसोदिया जी और उनके साथ आए हुए भगवान मान्त का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ, आशा ही नहीं बल्कि हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार जो है हिमाचल प्रदेश में जो है आम आदमी की सरकार जो है पूर्ण बहुमत से आएगी। मैं भी कई बार 2 बार प्रधान भी रह चुका हूँ, इस बार मैं उप प्रधान हूँ और विधानसभा बल क्षेत्र में एक आंधी सी उठ गई है पूरे हिमाचल में, लेकिन विधानसभा बल जो है इस वक्त टॉप के ऊपर चली हुई है, जिसमें बल विधानसभा क्षेत्र से आज भी आपने देखा है कि हमारे साथ जो है मेरे साथ लगभग सभी बल पंचायत के सभी पंचायतों से भारी जनता आपके सामने आई है, 10-15 गाड़ियां आपके सामने आई, आपने नोट किया होगा, और बड़े बड़े पद अधिकारी और छोटे आदमी जो है आम आदमी जो है बल विधानसभा क्षेत्र से जो है आम आदमी पार्टी के लिए जुड़ रहे हैं। 3,000 रुपये भत्ता दिया जाएगा। सिसोदिया जी ने भाटिया जी एक और भी गारंटी दी है कि प्रधानों को चुने हुए जनप्रतिनिधियों को 10,000 पेंशन लगाई जाएगी। मैं बता रहा हूँ वो सारी बातें आप पूछ भी सकते हैं, जैसे कि जनप्रतिनिधियों के लिए भी एक बहुत बड़ी सौगात जो सिसोदिया जी ने केजरीवाल के आदेश अनुसार जो हिमाचल प्रदेश को दी है। आपको पता ही है मैं भी 5-4 बार पहले प्रधान रह चुका हूँ, इस बार मैं उप प्रधान हूँ, तो प्रधानों को जो है एक मानदेय जो है बतौर सभी प्रधान जो है हिमाचल प्रदेश से एक किस्म से अपने आप को ठगा ठगा महसूस कर रहे हैं। ना मात्र जो सरकार ने जो पंचायतों का जो शोषण किया है, मैं तो सीधे तौर पे कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से इन भाजपा और कांग्रेस सरकार ने जो भत्ते बढ़ाए अपने विधायकों के सबके जो है, चाहे वो कांग्रेस से चाहे भाजपा है, या बड़े बड़े वादे करके जाते, जब इनका मानदेय में बढ़ोतरी होती है तो जो है टेबल टॉक पर जो है सब स्वागत करते हैं, जनता की तरफ कोई नहीं देखता है। तो और उसी प्रकार जो है जो पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि है, चाहे वो जिला परिषद सदस्य है, चाहे वो प्रधान है, वार्ड मेंबर है, माननीय BDC सदस्य है, पंचायत सदस्य है, या वार्डों के मेंबर है, उनको मात्र 100 रुपये मीटिंग का दिया जाता है। जबकि मैं सही मायने में आपको बताऊँ सभी प्रधानों को इतनी मुश्किल हो जाती है, जो 3,000 या 3,500 है प्रधानों के घर में जो है रोज पब्लिक आती है तो प्रधान को चाय पानी भी पिलाना पड़ता है, तो वो तो मात्र एक दिन के चाय का खर्चा भी नहीं है। भाटिया जी, जिस तरह से आपने हमारे चैनल के माध्यम से डिबेट किया है और पब्लिक में जो मैसेज दिया है, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, मेहरबानी, एक बार पुनः आप।
तरह से आज आप केजरीवाल जी और मिनिस्टर सिसोदिया जी यहाँ पहुँचे थे, उस रैली के ऊपर क्या कहना है जी? सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार कहूँगी। आज जो है हमारे बीच में जो है वो गारंटी अनाउंस करने के लिए आए थे मनीष सिसोदिया जी और भगवंत मान जी, तो बहुत ज़्यादा खुशी है। आपने लोगों का भी देखा है जन सैलाब कितना ज़्यादा था, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी गारंटियाँ दी हैं आज। गारंटियों के ऊपर तो चलो कोई बात नहीं, गारंटियाँ तो सब देती है, लेकिन कितनी सीटें जीतेगी इसके ऊपर क्या कहना है? देखो जी, उसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, हमारी पार्टी है। मैडम जी आप उपाध्यक्ष हैं, आपको इस बात का जवाब यहाँ अगर जनता के बीच में देंगे तो अच्छा नहीं? मैं तो इसीलिए बोल रही हूँ, हम सरकार बना रहे हैं तो सीटें आप खुद ही कर लो, आप काउंट कितनी आएंगी। सैलाब आएगा, सैलाब सीटों का। इसके लिए आपका धन्यवाद। सैलाब आता है तो अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कि बदलाव हो, लेकिन जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि जनता का मूड क्या है। जनता का मूड पूरा है, इस बारी जो है परिवर्तन होगा। जनता में अंदर से बहुत ज़्यादा आक्रोश है और वो बोलते हैं कि हम इस बारी जो है थर्ड फ्रंट को देखना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में। नहीं, अच्छी बात है, हम कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का भी हिमाचल प्रदेश में स्वागत होना चाहिए। अगर हिमाचल में आम आदमी पार्टी 10 से 15 सीटें लेकर जाती है तो उसके ऊपर क्या प्लान होगा आपकी पार्टी? देखो ना, अभी हम तो नहीं बोल सकते कि 10 से 15, क्योंकि हमें पता है कि 10 15 सीटें नहीं, ज़्यादा सीटें आएंगी, तो इस बारे में तो मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगी। तो 40 से ऊपर ही हमारी सीटें आएंगी और सरकार हमारी मतलब बहुत अच्छे ढंग से मतलब सबके सामने मतलब आप देखेंगे कि सरकारी आम आदमी पार्टी की। आप तक टाइम्स में बात करने के लिए भी भाजी आपका स्वागत है, और महिला विंग की एक आप कर्मठ कार्यकर्ता है, इसके लिए मैं आपको एक बार पुनः दोबारा से आप तक टाइम्स में बात करने के लिए धन्यवाद। आपका भी जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदरनगर से आज हमारे साथ हैं चेतराम ठाकुर जी। चेतराम ठाकुर जी, आज जो मंडी के अंदर रैली हुई उसके ऊपर क्या कहना? सर, ये जो मंडी में आज जनता के बीच में एक संवाद हुआ तो ये बहुत ज़बरदस्त बदलाव की लहर के लिए एक आगाज हुआ मंडी से, सीएम के गृह जिला से एक शुरुआत हो गई है मंडी से आज, कि हिमाचल का जो इस बार का चुनाव होगा ये गरीब बच्चों की शिक्षा के नाम पर होगा, गरीब परिवार के अच्छे। अच्छा ठीक है सर, गरीब परिवार के नाम। चेतराम जी पहले मेरी बात को क्वेश्चन को ध्यान से सुने, गरीब जनता के नाम पे सब भी पार्टियां वोट लेती है, लेकिन आपकी पार्टी गरीब जनता के बारे में क्या सोचती है? सर, हमारी आम आदमी पार्टी गरीबों के बच्चों के भविष्य के लिए सोच रही है, उनके रोजगार के लिए सोच रही है, किसानों के लिए सोच रही है, किसानों की आय अच्छी हो। पहले तो मोदी जी ने कहा था कि 2024 में किसानों की आय जो दुगनी हो जाएगी, लेकिन अभी तक दुगनी तो कहाँ, गरीब किसान जो है आत्महत्या करने पर मजबूर है आज के वक्त में। तो हिमाचल में जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो यहाँ जो शिक्षा स्वास्थ्य बेरोजगारी हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे। आप तक टाइम्स में सर आपका धन्यवाद बात करने के लिए, जो आपने मुझे कीमती समय दिया इसके लिए भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी जी क्या कहना है आम आदमी पार्टी की जो अंदर रैली हुई उसके ऊपर क्या कहना है? देखिए, जन सैलाब आप सब लोगों ने देखा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी से हिमाचल में सरकार बनाने जा रही है। पंजाब में भी जब इलेक्शन हुए थे तो मीडिया फाइट जो दिखाती थी कांग्रेस और बादल परिवार में दिखाती थी। चलो सर, उस मीडिया को छोड़िए सर, मैं हिमाचल प्रदेश के मीडिया की बात करूंगा, मैं मुझे पंजाब का नहीं लेना। सीट्स का पूछा, मैं सीट्स से बात यही कर रहा हूँ कि वहाँ पे भी जो पोल्स आते थे वो सिर्फ दो पार्टियों के आते थे, लेकिन जब सैलाब आया तो जितने भी मुख्यमंत्री कैंडिडेट थे, जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री थे, सबको आम आदमी पार्टी के आम कार्यकर्ता ने हराया है। वही ट्रेंड, वही रिजल्ट अब हिमाचल में आने वाला है। चलो, आज जो आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री जी आए थे और साथ में उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री जी भी आए थे, उन्होंने जो गारंटियाँ दी है उसके ऊपर क्या कहना है?
देखिए, जब आम आदमी पार्टी का जो गारंटी प्रोग्राम है, इसको कॉपी करने की कोशिश पंजाब में भी हुई थी, वहाँ भी एक नकली केजरीवाल बने थे, और यहाँ पे भी कुछ पार्टियाँ नकली केजरीवाल बनने के कगार पे हैं और वो गारंटियाँ और मैनिफेस्टो दे रहे हैं। लेकिन जनता को ये पता है, वो एक्सपीरियंस कर चुकी है पिछले 50 साल 70 साल से, कि ये जो छापते हैं और जो इनकी कथनी और करनी में फर्क है, वो दिन रात का फर्क है। इस चीज के लिए तो देखो स्मार्टी जी, मैं कहता हूँ कि मीडिया के ऊपर मोदी सरकार का बहुत ज्यादा दबाव है। जो बड़े नेशनल चैनल हैं, फलाना चैनल है, ऐसा कहते हैं, वो मीडिया बिका हुआ है, इसके लिए हम भी मानते हैं। लेकिन आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? सबसे बड़ी और अच्छी बात आपने यही की कि बहुत सारा मीडिया बिका हुआ है और हम लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं। आप जैसे सच्चे पत्रकार का मैं स्वागत करता हूँ, जो सच्ची पत्रकारिता करते हैं और लोगों की हकीकत की आवाज़ जनता तक पहुँचाते हैं। तो सारी जनता से ये निवेदन करना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी एक ईमानदार सरकार है, इनकी नीयत में कोई खोट नहीं है। जो गारंटी प्रोग्राम इन्होंने दिया वो 100% लागू होगा। और सबसे बड़ी बात, ये जो सरकारें एक वर्ड यूज करती हैं, मुफ्त रेवड़ी, मैं एक बात बड़ी सिंपल सी करना चाहूँगा। आज तक आप मुझे ये बताओ, स्कूल में और हॉस्पिटल में अभी भी जो इलाज था वो मुफ्त था, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या थी? आम आदमी भी सरकार भी उसी को आगे बढ़ा रही है। स्कूलिंग भी पहले भी मुफ्त थी, अभी भी मुफ्त है, लेकिन अब उसकी स्टैंडर्ड देखो, उसकी क्वालिटी देखो। सर, दिल्ली की बात को आप छोड़े, बार बार आपके द्वारा देखो सर, प्लीज आप जिस बात के लिए मैं पूछा हूँ उसके क्वेश्चन का जवाब देने की कृपा करें, तो आप सर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में, ठीक है जी, दिल्ली में जो हुआ है, लेकिन आम जनता तो दिल्ली नहीं गई, आम जनता को क्या पता है कि दिल्ली में क्या किया केजरीवाल ने। आप ये बताओ कि हिमाचल के लिए आप क्या करेंगे? इसीलिए हमारी पार्टी का अगर आप लोगो देखोगे तो उन्होंने बिल्कुल सिंपल सा लिखा है, एक मौका केजरीवाल को। आप एक मौका दे के देखो, पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बोलते हैं अगर हमने काम नहीं किया तो हमें वोट मत देना। तो जनता से आग्रह है कि एक बार ही आजमाओ, अगर हमने काम नहीं किया तो आप अगली बार वोट मत दो। आज हमारे साथ मंडी के स्मार्टी जी थे, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को लेकर बहुत बड़ी बात की है। आप तक टाइम्स में बात करने के लिए आपको धन्यवाद।